हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि आने वाले जो भी आपके एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इन वीडियोज़ को जो है देखना मत भूलिएगा। ये जो आपके एग्जामिनेशन अभी आएंगे, स्टीनो टाइपिस्ट का आपका एग्जामिनेशन है, HP हाईकोर्ट का जो है कल आपका एग्जामिनेशन होगा, राइट। तो इन सभी एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है अलग ही लेवल का होगा। तो डेली मैं जो है वीडियोस डालता हूँ, पिछले दो दिन से जो है वीडियो नहीं पोस्ट कर पाया था ड्यू टू बिजी शेड्यूल, तो लेकिन जो है मैं डेली वीडियोज़ इसके ऊपर लेके आऊँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हम GS सेक्शन से जो है कवर कर देंगे। ओके, सो बने रहिएगा इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली आपको वीडियोस मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, बार बार बोलता हूँ, काफ़ी काम आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 121 क्वेश्चन से। विच स्टेट इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के साउथ में इनमें से कौन सी स्टेट पड़ती है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ योर हरियाणा। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है आपका, ये हमारा पड़ता है कहाँ पे? नॉर्थ में। और पंजाब जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में पड़ता है। इसके अलावा अगर आप बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की सीमा जो है हमारे साथ टच नहीं करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तिब्बत की, तिब्बत जो है ये हमारे हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में लगता है। वेस्ट में हमने बात कर ली पंजाब की, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, साउथ में हरियाणा। साउथ ईस्ट में आपका पड़ता है क्या? उत्तराखंड, राइट। साउथ ईस्ट में है आपका उत्तराखंड। तो ये जो है आपको चीज़ें लोकेशन से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। ईस्ट में हो गया आपका, साउथ ईस्ट में, साउथ में हो गया, नॉर्थ में हो गया, वेस्ट में हो गया, ठीक है। ये जो है अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, तो याद रखिएगा 6 राज्यों के साथ जो है यहाँ पर सीमा लगती है। कौन कौन से? चाइना है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। ओके, सो उत्तर प्रदेश की सीमा थोड़ी सी जो है आपके सिरमौर के साथ लगती है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि पांच स्टेट से जो है सीमा मिलती है, लेकिन टोटल 6 से। सिरमौर का कुछ रीज़न जो है वो आपके यूपी के साथ भी टच करता है, राइट। तो ये बातें आपको यहाँ से पूछी जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के दो ज़िले ऐसे हैं, एक है कांगड़ा, दूसरा है आपका मंडी। ये दो ज़िले ऐसे हैं जो कि बाकी 6 ज़िलों के साथ जो है अपनी सीमाएँ जो है मैक्सिमम सीमाएँ बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। ओके, सो ये जो है बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, लोकेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जामिनेशंस में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नॉट फॉल इन शिवालिक हिल्स, तो शिवालिक हिल में जो है इनमें से कौन सी टाउन नहीं पड़ती है? तो यहाँ पे अगर आप रामपुर को देखेंगे तो रामपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। रामपुर जो है आपका उच्च पर्वत श्रेणी, या फिर हम बोलें ये जो है मिडल जो है मध्य पर्वत श्रेणी में जो है वहाँ पे ये पाया जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बाकी डलहौजी, भटियात और चुरा जो है ये चंबा के जो निचले भाग हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका शिवालिक जो है हिल्स में पड़ता है। शिवालिक हिल्स से अगर बात करें तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है? तो इसको मैनाक पर्वत भी बोलते हैं। क्या? मैनाक पर्वत, मैनाक पर्वत। और एक है मोलाक पर्वत, मोलाक पर्वत किस पर्वत किसको बोला जाता है? वो धौलाधार रेंज जो है कांगड़ा में, उसको जो है मोलाक पर्वत बोला जाता है और इसको जो है मैनाक पर्वत। शिवालिक हिल्स की बात करें तो ये जो है इसकी हाइट 350 मीटर से लेके आपको 1500 मीटर के बीच में देखने को मिलेगी, और जो है औसतन वर्षा जो है यहाँ पर 1500 मिलीमीटर की आपको देखने को मिलेगी। सो ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। जो कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना वाला रीजन है, बिलासपुर का रीजन है, वो सारा क्या है? वो शिवालिक हिल्स के अंडर आता है। इसके अलावा जो मंडी, सोलन और सिरमौर के जो निचले क्षेत्र हैं और चंबा के जो निचले वाले क्षेत्र हैं वो शिवालिक हिल्स में ही पाए जाते हैं। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमारवा जो है लेक, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश में? तो ये कुमारवा है आपकी कौन सी? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी जो है आपकी लेक्स हैं? इसके अलावा कुंतभ्योग है, ठीक है, कुंतभ्योग है, रिवालसर है, प्राशर है, कालासर है, कमरूनाग है, सुखसागर है। ये सारी जो है झीलें इंपॉर्टेंट हैं मंडी से रिलेटेड। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है झीलों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो कुमारवा जो है कहाँ पर है? मंडी में है। इसके अलावा यहाँ पर कुल्लू ऑप्शन में है, तो कुल्लू में कौन कौन सी है? कुल्लू में है भृगु, ठीक है, भृगु झील कहाँ पे है? कुल्लू में है। इसके अलावा दशहर, दशहर झील कहाँ पे है? ये भी आपको कुल्लू में देखने को मिलेगी। एक है
सरवालसर, ठीक है, सरवालसर भी कहाँ पे है, और एक है रिवालसर। रिवालसर कहाँ पे है, मंडी में है। सरवालसर जो है आपकी कुल्लू में है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस आप देख लीजिए। बाकी सोलन और हमीरपुर में कोई भी जो है आपको लेक नहीं देखने को मिलेगी। बाकी ये जो है इन दोनों स्टेट से, सॉरी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, साच पास जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट पासिस हैं, साच पास हो गया, एक है आपका बसोदन जो कि आपका कांगड़ा और चंबा को जो है आपस में मिलाता है, एक है दराती, दराती जो पास है ये भी आपका चंबा में पड़ता है। इसके अलावा जो दुग्गी जोत है, दुग्गी जोत भी जो है आपकी चंबा में पड़ता है। एंड वन इज़ कुगती, कुगती पास जो है आपका लाहौल स्पीति और भरमौर को जो है अटैच करता है। तो ये सारे पासिस जो है कहाँ पे हैं, आपके चंबा में लोकेटेड हैं। तो पासिस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो इनको अगर आप पहले पेट कर लें, कवर कर लें, तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन जो है वहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स जो है फेच कर सकते हैं। एंशियंट नेम क्या था कांगड़ा का, तो कांगड़ा का एंशियंट नेम था त्रिगर्त, ठीक है, लेकिन त्रिगर्त तो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। त्रिगर्त के अलावा नगरकोट भी जो है कांगड़ा का एक नाम था। नगरकोट हो गया आपका, भीमकोट ये भी क्या था आपका, कांगड़ा का प्राचीन नाम था। इसके अलावा भीमनगर, ठीक है, भीमनगर, तो भीमकोट, भीमनगर, नगरकोट, त्रिगर्त जो है ये सारे क्या है, कांगड़ा के नाम थे पुराने, राइट। सो ये बातें आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कांगड़ा का जो फोर्ट है, कांगड़ा का फोर्ट है किसने बनाया है, तो सुशर्मा चंद ने, किसने, सुशर्मा चंद ने बनाया है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नूरपुर स्टेट वॉज ऑन इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो नूरपुर स्टेट जो है अपनी पराकाष्ठा पे जो है कब था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नूरपुर जो था अपनी पराकाष्ठा में था जगत सिंह के टाइम पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगत सिंह के टाइम पे ही जो है यहाँ पे जहांगीर नूरपुर में आया था नूरजहां के साथ में। ओके, सो नूरपुर के अगर फाउंडेशन की बात करें तो किसने फाउंडेशन रखी थी, राजा जेठपाल, ठीक है, नाम याद रखिएगा, जेठपाल ने जो है फाउंडेशन रखी थी, कब रखी, 1000 ईस्वी में। ओके, एंड जो पहले नूरपुर की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी आपकी पठानकोट, फिर पठानकोट से जो चेंज की गई थी नूरपुर में, लेकिन किसने इसको चेंज किया था, नूरपुर कौन लेके आया था, याद रखिए, वासुदेव, ठीक है, राजा वासुदेव ने जो है यहाँ पे राजधानी इसकी कन्वर्ट की थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है नूरपुर से रिलेटेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हु फाउंडेड द मंडी स्टेट इन अराउंड 1200 AD, तो मंडी को जो फाउंड किया था वो आपके बाहुसेन ने, ठीक है, बाहुसेन जो है फाउंडर है मंडी रियासत की, यहाँ पे बात की जा रही है, प्रिंसली स्टेट की बात की जा रही है। बीरसेन किससे रिलेटेड है, बीरसेन ने जो है सुकेत रियासत, सुकेत को जो है यहाँ पे फाउंडेशन रखी थी, कब रखी थी, 1765 ईस्वी में। तो पिछले एग्जामिनेशन, कुछ एग्जामिनेशन में डेट भी पूछी गई है, तो डेट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ पे तो बता दिया गया है लेकिन यहाँ पे नाम पूछ लिया गया है, तो कई बार जो है आपको डेट भी पूछी जा सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये रही बात रियासत की, लेकिन मंडी जो सिटी है, ओके, मंडी शहर का जब पूछा जाएगा तो किसने रखी थी, राजा अजबर सेन ने, राजा अजबर सेन ने जो है 1526 AD में जो है इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे ये मैं बात कर रहा हूँ मंडी सिटी या फिर मंडी शहर की, लेकिन ये जो है ऊपर मैंने आपको आंसर बताए हैं, ये है रियासत से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ेंगे, धामी फायरिंग ट्रेजेडी जो हुई थी वो कब हुई थी, तो ये जो मूवमेंट्स हुई हैं आपके इंडिपेंडेंस के टाइम पे या उससे पहले, तो इससे रिलेटेड भी हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर है 1939 में। ओके, सो धामी फायरिंग से रिलेटेड कौन से जो है लीडर जो है आपको पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा भागमल सोठा, ठीक है, भागमल सोठा जो है इनका नाम है, ये धामी फायरिंग से रिलेटेड हैं। और इसकी जो जांच थी धामी फायरिंग की, महात्मा गांधी ने नेहरू जी को बोला था, और इसके लिए एक वकील को चुना गया था जिनका नाम था दुनी चंद, ठीक है, दुनी चंद वकील को जो बोला गया कि इसकी जो है यहाँ पे पूरी जांच होनी चाहिए। 1942 यहाँ पे डेट दी गई है, ये किससे रिलेटेड है, पंजोता आंदोलन, पंजोता आंदोलन जो है, पंजोता मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा आता है, तो याद रखिए सिरमौर के अंदर, कहाँ पे हुआ, सिरमौर के अंदर हुआ था। और इससे रिलेटेड लीडर कौन थे, तो वैद्य सूरत सिंह, ठीक है,
वैद्य सूरत सिंह जो थे इसके लीडर थे, ये आपको याद रखना है। और तब जो है सिरमौर का राजा कौन था जिसके समय में पंजहोता आंदोलन हुआ था, तो राजेंद्र प्रकाश के टाइम पे हुआ था। ठीक है, किसके टाइम पे? राजेंद्र प्रकाश के टाइम पे जो है यहाँ पे पंजहोता आंदोलन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गोपाल टेम्पल जो है, अब देखो यहाँ पे टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। श्री गोपाल टेम्पल जो है ये आपका बिलासपुर के अंदर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है बिलासपुर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है मंदिर हैं, नैना देवी मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक आपका गोपाल टेम्पल हो गया, एक आपका मुरली मनोहर, ठीक है, मुरली मनोहर टेम्पल भी जो है आपका कहाँ पे है, बिलासपुर के अंदर है। देव भाटी मंदिर जो है ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो है आपका बिलासपुर के अंदर। ठीक है, तो ये जो है बिलासपुर के मंदिर हैं इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं। यहाँ पे कुल्लू ऑप्शन में है, कुल्लू के भी डिस्कस कर लेते हैं। बिजली महादेव मंदिर आपने सुना होगा, ये भी जो है कुल्लू के अंदर है। हिडिंबा देवी मंदिर जो है डूंगरी में जो है ये लोकेटेड है, और यहाँ पे डूंगरी मेला भी लगता है। एंड बजोरा मंदिर, जामलू मंदिर, मनु मंदिर, रघुनाथ मंदिर हो गया, रामचंद्र मंदिर है, और कपिल मुनि मंदिर, ये सारे मंदिर जो है कुल्लू से रिलेटेड है। ओके, तो ये जो है मंदिर, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। चंबा के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शक्ति देवी टेम्पल है, लक्षणा देवी टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। ओके, तो ये सारे टेम्पल जो हैं किन राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सोलन के देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो टेम्पल हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज़ शूलिनी मंदिर, ठीक है, शूलिनी मंदिर है, दूसरा है जटोली। तो ये दोनों टेम्पल कहाँ पे हैं? सोलन के अंदर है। जटोली टेम्पल की क्या खास बात है कि हिमाचल प्रदेश का ये हाईएस्ट है, सबसे ऊंचाई पे लोकेटेड, हाईएस्ट मतलब हाइट इसकी सबसे ज़्यादा है जटोली की। तो ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इंस्टॉल द आइडल ऑफ रघुनाथ जी इन कुल्लू इन 1653? तो यहाँ पे ये बात साफ हो गई कि इसकी डेट क्या है, 1653 को जो है रघुनाथ जी की मूर्ति लेके आए थे कुल्लू में, मतलब स्थापित की थी, वो किसने की थी? राजा ने, जगत सिंह, राजा जगत सिंह ने। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन इसको लेके आया था और कहाँ से लेके आया था? तो ये मूर्ति आई थी आपकी अयोध्या से, ठीक है, अयोध्या से। कौन लेके आया था? दामोदर दास जो है यहाँ पे इसको लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1651 में, लेकिन इंस्टॉल कब हुई? 1653 में, राजा जगत सिंह के द्वारा। इसके अलावा देखिए कुल्लू की अगर हम बात करें तो कुल्लू की तीन कैपिटल रही हैं, स्टार्टिंग में थी जगतसुख, ठीक है, जगतसुख से जो है यहाँ पे चेंज हुई कहाँ पे? नग्गर में। लेकिन किसने किया था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नग्गर जो ट्रांसफ़र की थी वो की थी विशुद्ध पाल ने, ठीक है, विशुद्ध पाल ने। और फाउंडर कौन थे कुल्लू रियासत के? विहंग मणिपाल, जिन्होंने सबसे पहले जगतसुख रखी थी, फिर बाद में नग्गर ट्रांसफ़र हुई किसने? विशुद्ध पाल ने। देन नग्गर से आपकी सुल्तानपुर होती है, ठीक है, सुल्तानपुर होती है, जो कि किसने की थी? राजा जगत सिंह ने, जिन्होंने जो है रघुनाथ जी की जो है मूर्ति यहाँ पे स्थापित की। तो ये मूर्ति कहाँ पे स्थापित की है? ये भी जो है आपकी सुल्तानपुर में की गई है, ठीक है। रघुनाथ मंदिर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? कुल्लू के सुल्तानपुर में। तो ये सब बातें जो हैं इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेताज इन लाहौल आर्क, तो ये प्रोफेशनल डांसर्स हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्थर का खेल जो है यहाँ पे देखिए, फेयर एंड फेस्टिवल से हमेशा जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पत्थर का खेल जो है आपके शिमला के हलोग में लगता है, कहाँ पे? शिमला के हलोग में लगता है। नारकंडा कहाँ पे है? ये भी शिमला के अंदर है। और नारकंडा में जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? एक है आपकी हाटू पीक है, हाटू मंदिर भी है, टेम्पल भी है यहाँ पर। और इसके अलावा जो है महामाया टेम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, महामाया टेम्पल। ओके, तो ये सब जो है नारकंडा में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। मशोबरा में देखिए दोस्तों, दो मेले लगते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है सिप्पी फेयर लगता है आपका, ठीक है, सिप्पी मेला लगता है, दूसरा है भैंसों का मेला, ठीक है, भैंसों का मेला है, भैंसों की फाइट होती है यहाँ पे, तो ये भी मशोबरा के अंदर लगता है। तो सिप्पी ज़्यादातर पूछा जाता है, सिप्पी मेला कहाँ पर लगता है? मशोबरा में, शिमला के मशोबरा में लगता है। ओके, इसके अलावा शिमला के जो रामपुर है, रामपुर में कौन कौन से मेले लगते हैं? एक तो आपका लवी मेला लगता है, लवी फेयर, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट मेला है। और दूसरा जो है लवी के अलावा आपका फाग मेला, ठीक है, ये दोनों जो है कहाँ पे लगते हैं? रामपुर में लगते हैं, दोनों रामपुर में लगते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बतन मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जब भी तिब्बत की बात आएगी, तिब्बतन लोगों की बात आएगी, तो आपका आंसर क्या होगा? धर्मशाला, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? धर्मशाला के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है। सौरभ वन बिहार कहाँ पे है? सौरभ वन बिहार आपका बनाया गया है पालमपुर, कांगड़ा के पालमपुर में आपको देखने को मिलेगा। ओके,
तो किसके नाम पे है? सौरभ कालिया के नाम पे है, जो कि 1999 में शहीद हुए थे कारगिल वॉर में, तो उनकी रिमेम्बरेंस में जो है यहाँ पे इसे बनाया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइज, दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एचपी जीके। और अगर आप चाहते हैं इन वीडियोस को मैं कंटिन्यू रखूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अदर जो जीएस के जो सब्जेक्ट हैं उनको भी हम कवर करते चलेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। लाइक मिलने से जो है यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिलता है ताकि मैं और भी वीडियोज़ जो है आप लोगों के लिए बना सकूं। तो काइंडली जो है लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और कमेंट सेक्शन में अपनी जो है सजेशन, आपको किसके ऊपर वीडियोज़ चाहिए, ये वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, वो भी आप मुझे वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।